ये देखिए क्या है। ओ हेल, ओ भाई फोन मिल गया, फोन मिल गया, ये मिल गया। तो सुबह के 10 बजे मैं आराम से सो रहा था कि तभी अचानक से मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी और मेरी नींद खुल गई। मैं ठंड का कारण देखने बाहर गया एंड वेल, मैं आइस एज में पहुंच चुका था। तो ये देखने के बाद मैं सबसे पहले अपने बिल्ले को बाहर ले गया क्योंकि उसने पहली बार इतनी सारी बर्फ देखी थी और मैं आपके लिए उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहता था। इसके बाद मैंने गर्म कपड़े पहने, इसके बाद मैं निकल पड़ा आपके लिए आपका सबसे मोस्ट अवेटेड व्लॉग लाने के लिए। इस वीडियो का हमारा प्रयास रहेगा कि जो लोग स्नोफॉल देखना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में कभी स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं पर यहाँ पे नहीं रहते, उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस हो, उनको बिल्कुल ऐसी फील आए कि वो बिल्कुल यहीं पर है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप गर्म जगह पर रहते हैं, तो एक काम करिए, अपने फ्रिज में घुस जाइए, बिल्कुल मस्त फील आएगा। और हमारा प्लान था स्नोफॉल फाइट करना क्योंकि हम जानते हैं लोगों को फाइट देखना बहुत पसंद है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ था तो लैंडस्लाइड भी हुआ था, तो हमें काफ़ी मुश्किल रास्ते पार करने पड़े जहाँ का एक भी गलत स्टेप बहुत हानिकारक हो सकता था। बट इन द एंड हम फाइटिंग ग्राउंड तक पहुँच गए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जिस पे हम स्नोबॉल फाइट करने वाले हैं और हम दो टीम्स में डिवाइड कर देंगे जिसमें एक टीम में दो लोग होंगे और हर टीम का गोल होगा स्नोमैन को गिराना और पहले हम स्नोमैन बनाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे अपने एरियाज अलॉट कर दिए, उस साइड में हम होंगे, उस साइड में ये लोग होंगे और वहाँ पे अपना डिफेंस बनाएंगे, अपना स्नोमैन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे स्नोबॉल फाइट होगी। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, अपना हमारा ये एरिया है, हम यहाँ पे अपना स्नोमैन बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ ये है राम भाई है हमारे साथ में। राम भाई हेलो बोलो। हेलो। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो अब कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। साइड है चिनुराग और इस साइड है मेरी टीम, हमारे साथ है ये, हम नाम एनोनिमस रखेंगे। कोड नेम है बी, कोड नेम है बी, इनका कोड नेम ए है, मेरा कोड नेम डी है। ठीक है, दूसरी ऑपोजिशन वाले बनाना स्टार्ट कर चुके हैं और हम अभी कुछ नहीं कर रहे, तो करते हैं अभिषेक। We have to do so. तो स्नोमैन बनाना बहुत सिंपल काम होता है, पहले हमें एक गोला बनाना है और इस तरीके से, और इसमें हाथों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हाथ बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, मतलब और ये मस्त हम बना रहे हैं। हेड भाई ये छोटा सा यार, उनका देख कितना बड़ा है भाई। हाँ जीनियस भाई जीनियस, उनका निशाना ही नहीं लगेगा। इनका प्लान मुझे लग रहा है कि ये छोटा सा बनाएगा और ताकि निशाना ना लगे, पर इनको नहीं पता स्नोमैन गिरना नहीं चाहिए। अभिषेक भाई अगर हमारा एक भी निशाना लग गया ना उसके ऊपर तो स्नोमैन गिर जाएगा। नहीं भाई अभिषेक भाई बड़ा बनाना है भाई, ये प्रोफेशनल्स है भाई। हम इसका पेट बना रहे हैं अब। गुड और उनका पूरा बन चुका है, जूम करके दिखाते हैं आपको, बन चुका है उनका स्नोमैन पूरा और हमारा इतना बना है। कुछ करो यार अभिषेक भाई, हमारा टीम वर्क बिल्कुल डम है। सन नहीं दिख रहा इसमें, कुछ नहीं दिख रहा, पर ये एक स्नोमैन है, ये अंदर बैठा है चुपचाप, ये टैंक में बैठा है ये स्नोमैन हमारा। ऐसा करो फिर आओ चारों बनाओ यहाँ पे, फिर लड़ना आपस में। ऐसा करते हैं थोड़ा पॉज लेते हैं, एक अच्छा सा स्नोमैन तैयार करते हैं, उसको पॉज भी लेना अभिषेक भाई, बस पॉज ही लेना। तो हमारा स्नोमैन बन के बिल्कुल तैयार है, हमने इसमें आंख लगाई है, यहाँ पे हमने यहाँ पे मुंह बनाया है और थोड़ी बहुत थोड़ी बाजुएं भी बनाई थी।
हाँ, तो हम ना ये स्नोमैन बनके तैयार है। इसको हमने बहुत ही पावरफुल बनाया है, अगर अटैक्स हो गए तो ये झेल लेगा अटैक मस्त आराम से। हमने अच्छे से स्नो बॉल्स भी बना ली है बहुत सारे। अब देखो हमने पहले बना के इसलिए रखे है कि जब हम साथ साथ में स्नो बॉल्स बनाते रहते तो हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हम बीच में रुक जाए। भाई उनकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को, यहाँ तक साउंड कर रही है, पर यू नो व्हेन प्रो प्लेयर्स आर हियर नोबडी कैन बीट अस। सो अभिषेक इज ऑन द वर्क, आवर स्नोमैन इज रेडी, सो मैनी स्नो वॉरियर है भाई, इतने सही निशानेबाज लगते भी नहीं यार वो, कि दे देंगे इसको एक भी शॉट, बस हम लगने नहीं देंगे यार, मैंने बस ऐसे ही खड़े रहना इसके सामने। आर यू रेडी टू फाइट? या वी आर रेडी टू फाइट। ओके सो नाउ वी आर रेडी टू फाइट, ऑन द काउंट ऑफ 3 1 2 3 स्टॉप, वी आर रेडी फॉर। ओ या ओ आई पेन, ओ माय हेड सर, उसको मारना है ना, उसको मारना है, इसके बाद आपने वो क्या इसको मार लग गया था। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा फोन कहीं मिसिंग है, वो बर्फ में गुम हो चुका था और उसमें कोई सिम भी नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, अगर बर्फ में कोई चीज गुम हो जाती है तो उसके मिलने के चांसेस 100 में से 1% होते हैं। वी लॉस्ट इट इन शॉर्ट, ऐसे नहीं होती लॉस्ट चीजें, देखो मिल तो जाएगा वो, सर्वाइव भी कर ही जाएगा भाई, ऐसे नहीं मिलेगा फोन। ऐसा करते हैं ना, स्क्वायर्स बनाते हैं, स्क्वायर्स बनाते हैं फिर गेम खेलते हैं ऐसे कि कौन से स्क्वायर में ले, ध्यान ले। हाँ। स्क्वायर बनाने का फायदा तब होता है अगर एक एग्जैक्ट एरिया बताओ हमें exactly। अब ये गलती नहीं, अगर ये गलती नहीं कर सकते ना कि यहाँ से बर्फ उड़ाई और वहाँ डाली और वो वहाँ दब रहा। तो हम उस फोन को बहुत टाइम तक ढूंढते रहे, भैया मुझे लगातार डांटते जा रहे थे उसके लिए, और तभी ये हुआ। दौड़ कर आया, तेरे को पहले ही बोल रहा था ऐसे मत रख, इतनी सारी चीजें गिरा रहा था तू, ये देखिए क्या है। फोन मिल गया। ये मिल गया।
चार्जर टू लो भी बोलता है फोन बैटरी को. चल ठीक है, बैटरी निकाल हो गया. थैंक गॉड, थैंक यू एवरीवन. सो इट वाज अ फन डे, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया. अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के देना आई सेज, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन वीडियो लास्ट तक देख रहा है. वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, तो बचला, बाय बाय.